कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है संडे, दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं। इससे पहले मैंने एक व्लॉग एंड किया था थोड़ी देर पहले, और अभी ये शुरू कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि अकेली हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सोचा व्लॉग ही शुरू कर देती हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं वेली हूँ, काम मेरे पास बहुत है करने के लिए, पर वही फिर सोचा व्लॉग शुरू कर देते हैं। और लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि लाइट जली है भरी दोपहर में, बाहर से अच्छी खासी जो है रोशनी आ रही है, बट फिर भी पंखा लाइट दोनों बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे और मेरा कप पड़ा है, इसको भी उठा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि बज गए हैं 12, और अरे ऐसे करके नीरज ब्रेकफास्ट करके ही गए, स्विमिंग पूल गए ना, लेकिन आदित्य और उर्वी इनको तो मैंने सुबह टन कर दिया था खिला पिला के, क्योंकि मेरे को पता है कि फिर नीरज लेट सो के उठे थे क्योंकि रात भर अपना पता नहीं कुछ टीवी वगैरह सीरीज वगैरह ये कुछ देखते रहते हैं। आप लोग बोलोगे कि कर क्या रही है ये जनानी है। एक्चुअली ट्राईपोड सेट करना भी एक मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े धुल चुके हैं, लेकिन बाथरूम में ना वो ये जो डोर मैट्स होते हैं वो धोए मैंने अभी अभी, तो उनको डालना है बाहर धूप में सूखने के लिए। लेकिन पहले ये हॉल वाला जो है इसको थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरी और भी क्या करती है, इसको कुछ खाने को दो, वो कटोरी बेड के नीचे, सब कुछ बेड के नीचे, तो ऐसा ही होता ही रहता है। और पीछे ना वो नहीं, हाँ ये पेंट उखड़ गया है सीलन की वजह से, तो ऐसा घर में आपको जगह जगह दिखाई देगा पेंट उखड़ा हुआ ये सब कुछ। धूप बहुत तेज़ है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा वैसे तो, पर क्या काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो चलिए जल्दी से सफाई कर लेते हैं। तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में, और अब करते हैं यहाँ की सफाई। एक्चुअली जो बेडशीट है की तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन अभी मैं इसको चेंज कर दूँगी क्योंकि बेडशीट थोड़ी सी छोटी है इस बेड के लिए, खिसकती ज़्यादा है, मतलब इतनी छोटी नहीं है बट खिसकती ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना बच्चे कैसे खींचाता नहीं ज़्यादा करते हैं, तो ये खिसकती है। और बाहर वाले इसका जो बेड का जो मैट्रेस था ना वो मैंने उठा के अभी अंदर रख दिया है, अंदर वाले रूम में ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। और ये जो इसके ऊपर मैट्रेस रखे हैं ये आजकल मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि जैसे और भी कुछ भी पानी वानी जो भी हो कुछ भी गिरा देती है बेड पे, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और ये मैट्रेस हमने लिए भी ऐसे ही थे टेम्प्ररी की, जैसे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, गेस्ट कभी ज़्यादा ही आ जाए तो फिर नीचे बिछा के हम लोग, मतलब नीचे भी बेडिंग हो सके उस हिसाब से, बाकी ठीक है बेस्ट है मतलब नीचे के लिए भी और अगर बेड पर बिछाने हो तो भी। और बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जैसे हम लोग ये घर के कामों में लगे रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, बच्चों को संभालने में, खाना बनाना ये वो सो, तो मतलब ना जो लेडीज़ होती है ज़्यादातर हम लोग खुद को भूल ही जाते हैं कि हमारी भी अपनी एक लाइफ है, हमें अपने लिए भी कुछ करना है। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा फील होता है, पर चलिए सफाई हो गई। सो हाय, ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ, तो ज़्यादातर हम लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि हम लोगों को एक ऐसी फ्रेग्रेंस की ज़रूरत होती है, एक ऐसे परफ्यूम की जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, है ना, हर सिचुएशन में चाहे जो मर्जी हो लॉन्ग लास्टिंग रहे और हम अच्छे जो है महकते रहे, है ना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो भी परफ्यूम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2-3 घंटे स्टे करते हैं, उसके बाद फिर वो फेड हो जाते हैं, तो उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं आती है। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि परफ्यूम हम किसी हिसाब से लगाएं, जैसे ओकेजन में जो है नॉर्मली परफ्यूम अलग टाइप के लगते हैं, और अगर हम ऐसे कहीं डे आउट के लिए जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मतलब ओकेजन के हिसाब से मूड के हिसाब से अगर आपको परफ्यूम मिल जाए तो है ना ये बढ़िया बात। तो आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ यहाँ पे न्यूड ने जो है परफ्यूम लॉन्च किए हैं। सबसे पहले बात करती हूँ पैकिंग की, बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कॉफ़ी बीन्स, एक गुडी बैग में आई है, और ये रहे वो परफ्यूम जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे कि इन परफ्यूम के बारे में आपको बता दूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग है, मोर देन 8 आवर्स जो है ये स्टे करते हैं, और एक हल्की हल्की सी खुशबू जो है उसके बाद भी आप महकते रहोगे। तो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में ये CP टेक्नोलॉजी के साथ ये परफ्यूम आए हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, और इनकी जो परफॉर्मेंस है बेस्ट। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से परफ्यूम में क्या क्या है।
चलिए जो सारे परफ्यूम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये रहा टाइमलेस, जो कि बहुत सारी, ये सारे परफ्यूम जो है बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस से बने हैं, फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस से बने हैं, जो इनको अपने आप में एक अलग अलग, हर एक परफ्यूम को एक अलग फ्रेग्रेंस देते हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ये परफ्यूम है, टू बी वेरी फ्रेंक। तो ये रहा टाइमलेस, यहाँ है स्टनर, सल्ट्री, मैग्नेट, और ये रहा मैजेस्टिक, और ये रहा हिप्नोटाइज। तो अभी जो है मैंने ये सारे यूज़ कर लिए हैं, सारों की फ्रेग्रेंस जो है मैंने चेक कर ली है। तो ये जो सारी ये परफ्यूम लॉन्च हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ के लिए ही सब कुछ आए, तो न्यूड ने जो है मेंस के लिए भी लॉन्च किए हैं परफ्यूम। तो अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो सारे परफ्यूम्स हैं इनका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, आप अपने पर्स में आराम से कैरी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि एक ही बॉटल कैरी करें आप, सारी बॉटल्स ये छोटी सी जो स्प्रे बॉटल्स हैं इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ईजिली जो है कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रस्ट मी, सारे जो फ्रेग्रेंसेस है वो एक से बढ़कर एक है, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में परफ्यूम लगा रहे हैं, किस टाइप के लिए। जैसे अगर आप डिनर पे जा रहे हैं तो आपको खुद ही इसमें पता लग जाएगा कि कौन सा परफ्यूम आपको लगाना है, फिर अगर आप दिन में कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अलग फ्रेग्रेंसेस उस हिसाब से है इसमें। तो अभी जो है टाइम हो गया है दोपहर का, दोपहर के आई थिंक 3 बजने वाले हैं या बज गए होंगे, मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले टाइम नहीं देखा बिल्कुल भी। और आप लोग बोलते हो कि टाइम देख के फिर व्लॉग शुरू किया करो, कभी कभी हो जाता है भाई, इंसान भूल भी जाता है टाइम देखना है ना। तो सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ धूप लगी होती है, शाम के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे ही हम लोगों का मन बहलाने के लिए तूफान सा आ जाता है, फिर उससे धूल मिट्टी अंदर आती है, फिर उसको हम झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, फिर अगले दिन सेम वही होता है। तो मौसम भी जो है हमें काम में लगा रखता है और हम काम में लगे रहते हैं, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, आज जो है खाने में लेट हो गए क्योंकि ये उर्वी लेट उठी सो के, फिर अभी तो ये दूसरे रूम में फ़ोन देख रही है, फ़ोन पे देख तो कह रही है, बस ऐसे ऐसे ये करती रहती है, स्क्रीन पे स्वाइप करती रहती है, इधर से उधर स्वाइप करती रहती है, बस वही चला रहता है इसका। तो अभी यहाँ पे ये मेरा कटोरा पड़ा हुआ है, इसमें मैंने सब्ज़ी खाई थी, तो अभी जो है मैं बनाऊँगी चपाती अपने लिए और अपने लिए और उर्वी के लिए, क्योंकि स्विमिंग पूल वाले तो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं मुझे शाम को ही आएंगे शायद। तो बस ये है, गर्मी बहुत है, मौसम कैसा हो रहा है, ह्यूमिडिटी टाइप ज़्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हवा बहुत कम चल रही है और बादल हो रहे हैं, बस ऐसा ऐसा हो रहा है मौसम। फिर इस मौसम में क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आता, बहुत गर्मी हो रही है, बस बिल्कुल मन नहीं करता इस मौसम में कुछ भी करने का, दिल करता है कि बस वो भी नहीं मिलता। तो ये तो क्लीन हो गए घर एकदम, कपड़े उठा के मैं ले आई हूँ तय लगाने के लिए, और ये देखो यहाँ पे ये रही मेरी परी पीछे। आटा फ्रिज में रखा हुआ था वो मैंने निकाल के रख दिया था, तो अब तक सॉफ्ट हो गया होगा, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया होगा। तो अभी बनाते हैं खाना, लंच करते हैं। और किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मैं भी ये ले रही हूँ वो जो डाइट है, ये हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट है वो भी ले रहे हैं, तो मैं कैसे ले रही हूँ। अभी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा शेड्यूल में प्रॉपरली आते हुए, मैं एकदम से भी खाना नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर एकदम से खाना छोड़ दिया तो बॉडी में बहुत मतलब वीकनेस आ जाएगी और वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं धीरे 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 कम कर रही हूँ खाना, तो ब्रेकफास्ट में तो जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वही मैं लेती हूँ, बट लंच तो मैं करती हूँ चपाती, दो चपाती, सब्जी, दाल। और देखो कल ही लिए थे करेले, और एक दिन में पक गया करेला, इतने ज़्यादा ये दवाइयाँ का छिड़काव होता है ना सब्जियों का कि वो साफ नज़र आता है, अदरवाइज़ कल सुबह की ली हुई सब्ज़ी में आप बताऊँगी एक दिन में इतना कैसे पक सकता है ना। तो ये है, चलिए करते हैं काम, लग जाते काम पे शाम को, मेरे को लगता है ये करेले टाइप ही बनाने पड़ेंगे, कुछ नहीं तो ये ऐसे गल जाएंगे रखे रखे। तो शाम के जो है 8:30 हो गए हैं, और अभी हम बाहर से आए, मतलब लेट ही गए थे और अभी आए, फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं, फिर आदित्य के स्कूल की कुछ चीज़ें लेके आनी थी वो लेके आए हैं, थक गए ऐसे ही बिना कुछ किए। तो खैर मैं तो डिनर नहीं करूँगी, बट ये कह रहे कि हमको मैगी खानी है, अदरवाइज़ मैं तो मूंगी की दाल और चावल बनाने की फेवर में थी, बट ये कह रहे कि
हम लोग मैगी खा लेंगे, तो मैं बनाऊंगी इनके लिए मैगी और क्या, और अपने लिए बनाऊंगी जो मेरा रात का रहेगा रूटीन शेक वो, और नींद भी लगी है जोरों से क्योंकि मैं सुबह की उठी हूँ 5 बजे की, दिन में 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली, 1 मिनट के लिए नहीं सोई हूँ। तो अभी जो है आदित की अम्मा का फ़ोन आया है, तो ये लोग उनसे बात कर रहे हैं, मेरी दिन में काफ़ी लंबी बात हो गई थी, तो फिर अभी अम्मा ने इन्हीं से बात करनी है, इनकी अम्मा ने भाई अपने पोते पोती से, तो उनसे बात कर लेंगे। तो एलोवेरा वाली टेक्निक वैसे काम आ रही है, मैं ये बताऊंगी आपको, कमेंट किया था ना कि एलोवेरा लगाना, तो एलोवेरा वाली टेक्निक अभी तक सक्सेसफुल हुई है, दिन में 2 बजे के बाद मैंने ट्राई किया तो चल रहा है, अभी प्रोसेस है, अभी पिया नहीं है उसने दूध। तो आज इनको प्याज वाली मैगी बना के देती हूँ, क्योंकि टमाटर तो है नहीं, तो प्याज वाली बना देती हूँ। गुड मॉर्निंग, नई सुबह नया दिन, सुबह के जो है 5 बज रहे हैं, वैसे 5 बज चुके, 5 बजे मैं उठी थी, 5 बजे उठने के बाद मैंने जो है सब्ज़ी कट करी है, फिर सब्ज़ी में तड़का लगाया है, आटा गूंदा है, तो इस टाइम पे जो है टाइम हो रहा है 5:30, तो आधा घंटा लग गया मुझे ये घिया जो होता है लौकी जो है उसको कट करने में, फिर तड़के की तैयारी करने में, प्रॉपर तड़का जैसे होता है, मतलब बिना टमाटर का, टमाटर है नहीं तो टमाटर नहीं लगाए, बस प्याज और लहसुन अदरक इन तीन चीज़ों से तड़का लगाया। तो आटा जो है मैंने गूंद के रख दिया था, लेकिन थोड़ी देर में सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ इसको, और बस अभी इसको इकट्ठा कर लेंगे आटे को, और इसके बाद चपाती बनाएंगे। आदित्य को जो है उसको भी मैंने जगा दिया है, अब उसका स्कूल थोड़ा जल्दी हो रहा है, उसको भी मैंने जगा दिया है और उसको दे दिया है दूध पीने के लिए। गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह जो है 7 बजने वाले हैं, और आदित की जो स्कूल बस है वो भी आने वाली है, और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं उनको ठीक करूँ पहले, राक्षसी लग रही हूँ, राक्षसी। तो और भी सुबह उठ गए, बैठे हैं यहाँ पे, और ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चलो चलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं, चले। आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, रू
अरुण ने रात को खाना खाने के बाद मुंह धोने की भी फुर्सत नहीं दी है ना, इतना तंग करता है मम्मा को। और ये रहा यहाँ पे आदत। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टीचर। आप भी ऐसे करते स्कूल में? नहीं। गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे? तो अब आदित की जो स्कूल की टाइमिंग्स है वो चेंज हो चुकी है। अब आदित का स्कूल जल्दी लग जाएगा और छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, है ना? हाँ, जल्दी हो जाएगी। और आज तो ठंडा ठंडा मौसम है, रात में बहुत तूफान आया, बहुत बार जो है पावर कट्स भी लगे हैं, तो लेकिन ठंडी हवा चल रही थी तो पंखे की जो कमी है इतनी नहीं खली है, मतलब ठंड ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था उसमें भी सोने में क्योंकि अंदर तक हवा आ रही थी। लेकिन अभी आपने क्यों किया बेटे वो फैन बंद? पापा सो रहे थे। हाँ बैठो। तो अभी जो है 10:30 हो गए और मैं बैठी हूँ यहाँ पे आराम से कमरे में। उर्व्यास थोड़ा जल्दी सो गई है, बस ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे मेरा मन सोने को भी नहीं कर रहा है, कुछ अजीब सा मन हो रहा है, तो अभी मैं सोऊंगी नहीं, देखती हूँ अपना कुछ और काम निपटा लेती हूँ। और ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग जो है 15-16 मिनट का हो गया होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो गया हो। तो थैंक यू कल इतने सारे सजेशंस देने के लिए जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसके लिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने प्यार से समझाया। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, बेल आइकन नहीं दबाया है तो भी बेल आइकन जो है ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।